வேலைகள் நோர்வையோ ये दे दुर्लभ तूने पाया कोट जन्म का भटका खाया या को व्यर्था मत को चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। तो ये दे जो है ये बड़े बहुत जिसके बड़े ऊंचे भाग्य होते हैं जिस पर उस मालिक की अपार असीम कृपा होती है उसी को प्राप्त होती है ये देही। लेकिन इस देही में आकर के इंसान बहुत गलत काम करता है, कभी नशा पता और जीवों और बहुत से जीवों को मार मार के खा जाते हैं और बहुत से ऐसे कार्य करते हैं। तो ये देह जो है ये बड़े भागों से मिली है और इसमें आकर के ये परमेश्वर जैसी है और आप है ही, आत्मा ही परमेश्वर है, आप परमेश्वर ही हैं, आप सभी राम रूप हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बड़े खेद की बात होती है कि उस सच्चाई का पता नहीं चलता। उस सच्चाई का पता तब चलता है जब हम किसी संत सतगुरु की शरण में जाते हैं, तभी उसका पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता। तो वो मालिक तो आपके सबके पास ही है, वो कहीं बाहर नहीं है, लेकिन दुनिया बाहर ढूंढ रही है, कोई कहीं ढूंढ रहे हैं, कोई कहीं ढूंढ रहे हैं, वो वहाँ नहीं बैठा है, वो हमारे अपने ही पास है। नेड़े नाही दूर, निज आत्मे रहा भरपूर, गुरु प्रसादी जान्या जन नामा सह समान है। तो उसको हम कैसे जान सकते हैं? गुरु की कृपा के द्वारा। गुरु की कृपा अगर हमारे ऊपर हो जाए तो फिर हम उसको जान सकते हैं, ऐसे नहीं जान सकते। ऐसे तो बाहर ही भटकते रहेंगे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ठोकरे खाते रहेंगे, उससे कुछ नहीं मिलता, उससे और धोखा हो जाता है। सच्चाई को प्राप्त करना है तो सच्चाई के पास जाना पड़ेगा, फिर वही हमें वो रास्ता दिखा सकते हैं और वही मिला सकते हैं। शरीरों भालन को बाहर जाएं, नाम ना रहें, बहुत बेकार दुख पाए। शरीरों भालन को बाहर जाएं, नाम ले लें तो बहुत बेगार दुख पाए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बेगार करते हैं संसार में जो कार्य करना है, जिस कार्य करने से हमें सुख मिलेगा, शांति प्राप्त होगी, हमारे शारीरिक रोग झट जाएंगे और ये जीवन आनंददायक हो जाता है, सुखदायक हो जाता है, वो काम नहीं करना चाहते। लेकिन उसकी तलाश बाहर ठोकरे खाते रहते हैं, बाहर ढोकते हैं, तो वो बाहर नहीं है, वो हमारे नज़दीक से नज़दीक है। अगर आपने कोई संसार की वस्तु चाहिए है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। अगर आपने गुरु से मिलना है, परमेश्वर से मिलना है, तो फिर वो आपके पास ही है, वो आपसे दूर नहीं है, वो आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका रिश्ता ही ऐसा है, वो बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है, उस जैसा कोई नहीं है। तो वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकता, वो छोड़ करके कभी नहीं जा सकता, हम छोड़ जाते हैं लेकिन वो नहीं छोड़ सकता, वो हमारे साथ साथ चला हुआ है, साथ साथ चला हुआ है, लेकिन पता नहीं चला। कितने दुख की बात होती है, कितने खेद की बात होती है। काया अंदर आपे बसे, इस काया अंदर आपे बसे, अलख ना लख्या जाए, वो इस शरीर के अंदर वो आप ही रह रहा है, लेकिन उसको जानना हम अपने आप नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए कोई महापुरुष चाहिए जो हमें बता सकते हैं। अगर आप किसी भी धर्म ग्रंथ का, किसी भी महापुरुष के जो वचन होते हैं उनको भी अगर हम जानना चाहें तो नहीं जान सकते। बड़े बड़े इस संसार में आ गए लेकिन वो भी नहीं समझ सके, क्योंकि वो बड़े सार मगज के होते हैं, उनके जो वचन होते हैं बड़े सार मगज के होते हैं, उनको कोई ही भाग्यशाली समझ सकता है, सारे नहीं समझ सकते। तो उसको समझना बड़ा मुश्किल है। काया अंदर आपे बसे, इस शरीर के अंदर वो आप ही रह रहा है, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं।
अगर आपने संसार की कोई वस्तु चाहिए तो आपको तो दूर जाना पड़ेगा, तभी मिलेगी, या कोई अच्छी गाड़ी करनी पड़ेगी, या फिर आपको पैदल चलना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट शॉर्ट में मिलना है तो फिर वो तो आपके नजदीक ही है, आपके पास ही है, वो आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो इतना बड़ा धोखा है, काया अंदर आपे बसे लख न लख जाई, मन मुख मुगंध बुझे नहीं बाहर भाल न जाई। तो है तो कहते हैं कि इस शरीर के अंदर ही है, लेकिन मनमुखता के अंदर हम भटक रहे हैं, मनमुख बाहर भटक रहे हैं कि शायद वो कहीं काशी बैठा है, कैलाश में बैठा है, पर्वत में बैठा है, या आकाश में है, पताल में, हम तो ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो तो आपके पास ही है, हमें जीवन आ रहा है, श्वास आ रहे हैं, प्राण आ रहे हैं, वही है, वही है सब कुछ, वही सबका सुखदाता है। तो उसको हम तभी समझ सकते हैं जब कोई संत सतगुरु मिल जाते हैं, ऐसे नहीं समझ सकते। काया अंदर नाम नौ निध पाइए, गुरु के शब्द विचारा। इस काया अंदर नाम नौ निध पाइए, गुरु के शब्द विचारा। तो इसी शरीर के अंदर वो नाम भी इसी के अंदर है, और उसको देने वाला जो है, जहां से हमें प्राप्त होता है, उसकी तलाश करनी पड़ती है। अगर वो जो हमें शब्द का रास्ता बता सके, जो हमें सच्चाई के साथ जोड़ सके, ऐसे गुरु की जरूरत पड़ती है, ऐसे मास्टर की जरूरत पड़ती है जो हमें शब्द के साथ जोड़ दे, सच्चाई के साथ जोड़ दे। अगर झूठ के साथ बांध दिया कि चलो आप इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे करते रहो वैसे करते रहो, तो उससे कुछ नहीं होता, सारी उम्र लगे रहो, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक सच्चाई आपको नहीं मिलती, तो सच्चाई हमें वहां से मिलती है जहां सच्चाई है, वहां से मिलती है। तो इसी शरीर में सब कुछ है, शब्द की धारा इसमें चल रही है, गूंज वो गुंजायमान हो रहा है, क्या आनंद लगा हुआ है, क्या आनंद लगा हुआ है, जिसका वर्णन नहीं है। दुनिया आनंद तो बहुत कहती है कि मुझे इस चीज से आनंद आया, मुझे इस चीज से आनंद आया, लेकिन वो आनंद जो है उसका भी पता नहीं चला, उसका टेस्ट नहीं आया। आनंद आनंद सब कहे, आनंद गुरु ते जाण्या, कर कृपया प्यारिया, ज्ञान अंदर सारिया, अंदरों जिनका मोह टूटा, सच्चे शब्द सवारिया। तो आनंद आनंद तो दुनिया कहती है, लेकिन आनंद जो आनंद है वो आपके पास है, लेकिन वहां तक हमारी पहुंच नहीं। जो आनंद का भंडार है वो आपके पास है, वो बरस रही है, वो धारा, वो अमृत बरस रही है, रिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे गुरु शब्द विचारा। तो वो धारा बरस रही है। तो महापुरुष हैं, महापुरुष होते हैं, जो पूर्ण महापुरुष होते हैं, वो कहीं भी बैठे रहेंगे तो उनके रोम रोम से वो धारा बरसती है, सारे संसार को, कहीं भी बैठा है कोई उसको भी सुख मिलता है। लेकिन इस संसार में सुख किसी को नहीं है, सारा संसार दुखी है, सब तड़प रहे हैं, सब झुलस रहे हैं। लेकिन सुख कब मिलता है? जब हम उस सच्चाई के पास आ जाते हैं, चिलमिलाती हुई धूप पड़ रही है, झुलस रहे हैं, लेकिन जब सरसब्द के पेड़ के नीचे आकर के बैठ जाते हैं तो कितनी ठंडक मिलती है, कितनी शांति प्राप्त होती है, कितना आनंद मिलता है, उस जैसा आनंद नहीं है। कहते हैं ना कि दादू दादू कहते हैं कि दादू दावा दूर कर, बिन दावे दिन काट, केते सौदा कर गए पंसारी की आठ। तो इस संसार के अंदर आज तक कितने बड़े बड़े राजे महाराजे भी हो गए, बहुत आए इस संसार में, लेकिन सब ऐसे ही रोते हुए चले गए, किसी को कुछ नहीं मिला, कितने ही आए इस संसार में तो ऐसे चले गए। लेकिन कोई भाग्यशाली जो था तो उसका मेल फिर गुरु से हो गया, गुरु परमेश्वर एक हो जान, जो तिस भावे सो परवान। गुरु में और परमेश्वर में भेद नहीं होता, वो एक ही होता है। उसने जब संसार का भला करना होता है तो फिर संसार में आता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत रूप हुए आया जगत में, तो संतों के रूप में फिर संसार में आता है, और फिर हमें थोड़ा सा तोज्जो का उभार देता है,
और हमारे आत्मा को नीचे से जो बंधनों में बंधी हुई है, जकड़ी हुई है, उसको निकाल के यहां ले आता है और स्वतंत्र कर देता है। फिर वो यहां से चलना शुरू कर देती है। रूहानियत की काखा यहां से शुरू होती है। यहां से फिर जब हम चलना शुरू कर देते हैं तो फिर कमाई करते हैं तो एक दिन हम अपने घर में पहुंच जाते हैं जहां पर वो बाजे बज रहे हैं। बिना बजाए निस्तिन बाजे घंटे शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तनकी खबर सारी रे। तो फिर वहां फिर जब आप पहुंच जाते हैं तो फिर इस शरीर का कोई पता नहीं चलता। फिर वो उस आनंद के अंदर लवलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं उसके अंदर, वो है आनंद। तो वो घंटे बज रहे हैं, वो बाजे बज रहे हैं, बिना बजाए निस्तिन बाजे, बिना बजाए बज रहे हैं घंटे शंख नगारी रे। लेकिन बहरे सारा संसार बहरा है, लेकिन जब गुरु मिलता है तो गुरु फिर हमारे कानों की मोरे उतार देता है। जब हम चढ़ाई करते हैं, ऊपर के मंडलों में आते हैं, तो ऊपर आकर के फिर दो दो ताकते हैं, जो जिसके लिए कबीर साहब भी कहते हैं कि निरत बिना सुरत आंदरी, निरत बिना सुरत आंदरी, कहो कहां को जाए, द्वार ना पाए शब्द का, फिर भटका खाए। तो निरत और सुरत दो ताकते हैं। तो निरत देखने वाली है और सूरत सुनने वाली है। फिर हमारे कानों की मोरे उतर जाती है और जो पर्दे पड़े हुए हैं वो भी उतर जाते हैं और सब कुछ नजर आता है। ऐसे कुछ नजर नहीं आता, ऐसे हम सोचते हैं कि हम कुछ देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। ये माया, ये जो हमारी आंखें हैं, ये माया की आंखें हैं। माया क्या होती है? माया का कोई अस्तित्व नहीं होता। माया तो कुछ नहीं है, ये सारा संसार माया का है। तो दुनिया ये सोचती है कि हम कुछ देख रहे हैं, अंधे हैं सभी, ये जग अंधा के ही समझाऊं, सभी बुलाना पेट का बंदा, धंधा पवन का घोड़ा ईश्वर का जैसे ओस का बुंदा, घट की वस्तु नजर ना आवे, घट की वस्तु नजर ना आवे, दिया वारी ढूंढे अंधा। घट में उस चीज आनंद है लेकिन उसका पता नहीं चला, जो सुख देने वाला है वो है हमारे अंत में बैठा है लेकिन उसका पता नहीं चला। तो तभी कहा कि ये जग अंधा के ही समझाऊं, कि सारा संसार अंधा है कैसे समझाऊं, कोई समझ नहीं पाता, किसी के समझ में नहीं आता, सभी बुलाना पेट का धंधा। तो सारा संसार पेट के धंधे में लगे हैं, पेट तो भरता नहीं कभी, अभी अभी खाया थोड़ी देर में भूखे हैं, थोड़ी देर में फिर खाया फिर भूखे हैं, ये कभी नहीं भरा। ऐसे ही भूखे के भूखे इस संसार से चले गए। पवन का घोड़ा स्वर का जैसे ओस का बूंदा, जैसे ओस पड़ती है उसकी बूंदे पड़ती है वैसा है। घट की वस्तु नजर ना आवे, घट में ओस जीवन नजर नहीं आता, लेकिन हम बाहरी दिया जगा लेते हैं, वो दिया तो जग रहा है। तो तभी कहा है कि जगमग अंदर में ही आ, जगमग अंदर में ही आ, दिया न बाती तेल, परम प्रकाशक पुरुष का क्या बताऊं खेल। तो वो प्रकाशित हो रहा है, सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, वो दिया कर रहा है प्रकाशित। ये लाइटें तो नहीं कर सकती, ये तो यहीं तक सीमित है, थोड़ा सा अंधकार थोड़ा सा कर लेगी, लेकिन वो सारे संसार को, वो दिया सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। तो उस जो उसको जानना है, उसको नहीं जाना तो फिर क्या जाना। और बाजे बज रहे हैं, आनंद लगा हुआ है, तो ऐसे अगर हम कमाई करें, ऐसे हो जाएं, तो फिर तो धोखा कहाँ हो सकता है, फिर धोखा कहाँ व्यापे जे हर गुण गाए, फिर धोखा नहीं रह सकता, फिर धोखा खत्म हो जाता है। ब्रह्मानंद जी बहुत बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने भी इसके विषय में कहा कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। कहते हैं कि अगर कोई कुएं खोदना चाहे गगनमंडल के बीच में, तो कोई कल्पना, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि गगनमंडल में कोई कुएं खोदे जा सकते हैं और कोई अपनी प्यास बुझा सकता है।
लेकिन ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि मैंने वो अजूबा देखा, गगनमंडल के बीच में अमृत का कुआं है जो कि बरस रहा है, हर घड़ी हर पल बरस, वो अमृत बरस रही है, मैंने देखा उसको। कहते हैं कि चर देखा भारी साधो, चर देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुकारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सिरी के, पीवे भर भर जारी रे। अगर कोई पंगु हो जिसके बाजू ना हो, टांगे ना हो, वो कैसे चढ़ेगा उस घाटी को? लेकिन ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि मैंने यह अजूबा देखा, वो चढ़ता है उस घाटी को और वहां जाकर के भर भर के जग उस अमृत के चखता है और आनंद लेता है। तो कहते हैं कि बिना बजाए निस्तिन बाजे, घंटे शंख निगारी रे, बिना बजाए निस्तिन बाजे, घंटे शंख निगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर बिसारी रे। अगर कोई बहरा है जिसको सुनाई नहीं देता, वो कैसे सुनेगा, वो कैसे सुन सकता है? बाजे तो बज रहे हैं लेकिन वो कैसे सुनेगा? बाजे तो कोई ऐसी घड़ी नहीं जब वो लुप्त होते हैं, वो तो बज रहे हैं, हर घड़ी हर पल बज रहे हैं। बिना बजाए निस्तिन बाजे, घंटे शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर बिसारी रे। तो फिर जब उसको, जब वो युक्ति मिलती है, कमाई करता है और वहां पहुंचता है, तो वहां पर बगैर आधारभूत के वो यंत्र बज रहे हैं और क्या आनंद लगा हुआ है वहां पर, कितनी कितना आनंद है जिसका वर्णन नहीं, वो आनंद लगा हुआ है। तो ऐसी वस्तु गुरु देता है, ऐसी वस्तु गुरु देता है, लेकिन फिर भी हम बैठते नहीं है, करते नहीं है। और जो अमृत है, अमृत बरस रही है हमारे लिए है, लेकिन वहां तक हमारी पहुंच नहीं हुई, वहां तक चले नहीं, पहुंचे नहीं, तो फिर कैसे चखेंगे उसको जो सदा के लिए अमर कर देने वाली है, सदा का सुख दे देने वाली है। तो बिना भूमि के महल बना है, कह रहे हैं कि बिना भूमि के महल बना है, तामे जो तू जारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। तो कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि बगैर भूमि के, किसी आधारभूत के कोई महल बनाया जा सकता है आसमान पे, नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि मैंने वो अजूबा देखा कि वहां महल है, बना हुआ है, और उसमें वो ज्योति जग रही है जिसको हम कहते हैं परम प्रकाश रूप, दिन राति नहीं चाहिए दिया घृत और वासनी, वो परम प्रकाश, परम प्रकाश जिसको कहते हैं, उसको दिए की जरूरत नहीं है, घी की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही प्रकाशित है। तो वो ज्योति जग रही है वहां पे, कहते हैं कि मैंने वो अजूबा देखा, वहां वो ज्योति जग रही है जो सारे संसार को प्रकाश देने वाली है। तो इसके लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। पहला सत्संग, सत्संग मिल जाए। सत्संग में क्या होता है, सत्संग बहुत बड़ी ऊंची चीज है। कबीर साहब ने भी कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः आध, कबीर संगत साधी की कटे कोट अपराध। तो जब हमें कोई ऐसे संत सदगुरु मिल जाते हैं, उनका उनकी संगत मिल जाती है, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है और हम उनके सत्संग सुनते हैं, तो हमारे जन्मों जन्मों के जो पहाड़ जैसे कर्म हैं जो हमें दुख दे रहे हैं, कभी कोई कर्म आ जाता है, कभी कोई दबोच लेता है, कभी कोई दबोच लेता है, लेकिन महापुरुष तो जिस दिन आप, आपके ऊपर महापुरुषों की दृष्टि पड़ गई, आपकी सारी सफाई हो गई, क्लीन हो गए, सारी सफाई हो गई आपकी, सब कर्म खत्म हो गए, एक केवल मात्र क्रियावान रह गए और प्रारब्ध कर्म रह गए। प्रारब्ध को खत्म नहीं करते, प्रारब्ध खत्म हो गए तो फिर खत्म हो गए, फिर छुट्टी हो गई, फिर मृत्यु हो जाती है। तो प्रारब्ध का ही यह शरीर बना है, तो हम प्रारब्ध को लेकर के आए हुए हैं, इसका भुगतान करना ही पड़ता है। अगर आपने किसी की टांग काटी है तो कटानी पड़ेगी, किसकी गर्दन काटी है तो अपनी कटानी पड़ेगी,
किसी जीव का वो खाया है, किसी जीव के शरीर को खाया हुआ है, तो उसको अपना खिलाना पड़ेगा। ये होता है। अब देखो द्वापर युग के अंदर भगवान राम आए, तो राम जी जब उनको वहां पहुंचना था सीता की खोज करने के लिए, सीता का हरण हो गया था, रावण ले गया सीता को चुरा करके, तो वहां पहुंचना था उनको, तो कैसे जाते? तो उन्होंने बड़े बड़े चिताने डाल दी, बहुत बड़ा समुन्द्र था, 100 योजन समुन्द्र था, तो उसमें बड़ी बड़ी चिताने डाली, बड़ा कुछ किया, बड़ा प्रयास किया, लेकिन सेतु नहीं लगा। तो जामवंत जी ब्रह्मा के अवतार थे, तो जामवंत जी कहते हैं हनुमान को कि हनुमान आप में ऐसी ताकत है, अगर वो उजागर हो जाए तो आप एक पांव यहां रखेंगे और एक लंका में रखेंगे। तो उनकी वो ताकत जो थी वो जगा दी, और फिर वो एक उड़ान से वहां लंका पहुंच गए। अब सीता को लेकर के आना था, कैसे लाते? तो राम जी को जब वहां जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पूरी ताकत, अगर वो उसके साथ लड़ाई करते तो उसकी आधी ताकत आ जाती थी, अपनी आधी ताकत उसको चली जाती थी, तो उसके साथ नहीं हो सकता था। तो उसको छुप करके, फिर बाले नाम था उसका, उसको पेड़ की ओट में खड़े होकर के तीर चलाया और राम नाम सत्य हो गए। तो वही तीर फिर राम को भी कृष्णा अवतार में द्वापर युग में खाना पड़ा। ऐसे बैठे थे और पदम चमक रहा था पांव का, किसी ने सोचा कि पता नहीं ये कोई जानवर है, और उसने शिकारी ने तीर चला दिया और तीर लगा और राम नाम सत्य हो गए कृष्ण। तो ये बदला चुकाना पड़ता है, जैसा हम करते हैं वैसा भरना पड़ता है, लेकिन हम करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, पहाड़ जैसे कर्म हो जाते हैं, और फिर वो मालिक विशेष कृपा करता है जो सतगुरु से मिलाता है, तो सतगुरु क्या करते हैं, उनकी दृष्टि अलग होती है, अलग दृष्टि होती है उनकी, जहां भी पड़ जाती है वहां जीवन आ जाता है, वहां जीवन आ जाता है, मरे हुए भी जीवित हो जाते हैं, मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं, चल पड़ते हैं, ऐसी दृष्टि होती है। तो दास आपको बता रहा था, तो वो नाम जो है वो नाम आपके पास ही है, लेकिन जब वो मालिक कृपा करता है तो कृपा करे तो सतगुरु मिले हर हर नाम दही, जब वो विशेष कृपा करता है तो फिर गुरु से मिलाता है, फिर गुरु हमें वो रास्ता देता है जो उसके ऊपर जब हम चल पड़ते हैं तो फिर हम अपने धाम में पहुंच जाते हैं, जिस धाम से हम उतरे हुए हैं, वहां से आए हुए हैं, वहां से उतरे हुए हैं नीचे, और यहाँ भटक रहे हैं, चुरस रहे हैं, बहुत बुरी दशा में पड़े हुए हैं, और सोचते हैं कि समय सारा हमारा बड़ा लंबा है अभी, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, कलयुग में केवल मात्र अगर सच्चा साथी है तो नाम है, और कोई नहीं, न जप न तप न पूजा न पाठ, कोई किसी का सहारा नहीं है, एक नाम है, और नामे ही ते सब कुछ हुआ, बिन सतगुरु नाम न जपे, नाम से ही सब कुछ बना है, और जब तक हमें गुरु नहीं मिलता तब तक हम उस नाम को नहीं समझ सकते कि नाम क्या चीज है, जिस नाम के द्वारा सब कुछ बना है। नाम क्या चीज है? नाम वो शब्द है। भजन क्या चीज है? भजन वो शब्द है। आपको कहा जाता है कि हाँ भजन करो, तो भजन वो शब्द है, और सबसे बड़ी विशेष बात तो यह है, बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आप सबके ऊपर पूरी कृपा हुई है, आपको पूर्ण सतगुरु मिले हैं, पूर्ण सतगुरु का मिलना इस जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की, विशेष विशेष कृपा है। तो इस संसार में गुरु का मिलना बड़ा दुर्लभ है, वो किसी भाग्यशाली को ही मिलता है, इतनी बड़ी दुनिया है, थोड़े से जीवों को नाम मिला होगा, थोड़े से गुरु जीवों को गुरु मिला होगा, अगर गुरु भी मिला, मिल भी गया, गुरु तो उपकार कर देता है, गुरु की दृष्टि जहां पड़ गई उसका उपकार हो गया,
गुरु तो उपकार कर देता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि हमारे को ये बख्शिश कहाँ से मिली, ये कहाँ से हुई। गुरु तो उसको तार देता है। सावन सिंह जी महाराज के समय का वाक्य है, तो सावन सिंह जी महाराज उस समय की बात है जब कारें नहीं होती थी और छोटी गाड़ियां नहीं होती थी, स्कूटर मोटरसाइकिल भी नहीं होते थे उस वक्त, तांगे में जाते थे या फिर ट्रेन होती थी, तो ट्रेन में जाते थे। तो ट्रेन में जा रहे थे, कहीं किसी का भला करने के लिए, तो ट्रेन के बाहर से वो प्रकृति का नजारा ले रहे थे, देख रहे थे बाहर, क्योंकि प्रकृति भी उनके अंडर में होती है, सब कुछ उनके अंडर में होता है। कुदरत कवन कहां विचार, कुदरत कवन कहां विचार, बारिया ना जाऊं एक बार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। तो उस कुदरत का क्या विचार करें, क्योंकि वो भी गुरु के हुक्म के अंदर काम करती है वो कुदरत भी। तो अब देखो, ऊंटनी सवार जिसने इतना बड़ा डाका डाला हुआ है, भागा जा रहा है कि पुलिस से बच जाऊंगा, तो श्याम सिंह जी महाराज की दृष्टि पड़ी एक एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए नजर मिली, नजर से नजर मिली और नजर ही नजर निहाल हो गया और काम बन गया उसका। तो वो समय आया, वो समय तो सबका आएगा, वो समय आया तो कहने लगा कि दूर दूर हो जाओ, अब मेरे पास कोई ना है। कहते हैं क्या बात है, कहते हैं मेरे गुरुदेव आ गए। कोई भी जिसको पूरा गुरु मिला है उसके लिए जम नहीं आ सकते, उसके लिए दुख नहीं आ सकता, वो बड़े बहुत खुशी से संसार से जाता है, जाना तो सबने है, लेकिन वो बड़ी खुशी से जाता है, उसको गुरु लेने के लिए आता है, विमान लेकर के आता है और उसमें बैठ करके जाते हैं।